चलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एक फिगर दे रखा है जिसमें ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जो कि इस क्वाड्रेंट में, ओ पी ये पूरा क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर रखा हुआ है। और ओ ए की लेंथ दे रखी है इन्होंने कितनी, 20। तो मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी सारी साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर की हमें साइड मिल गई 20। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें। पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे जो कि वो जो कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप पूछोगे थीटा क्या है, आर क्या है, तो देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना ये, तो यानी ये वाला एरिया जो है ये 90 डिग्री होगा, और यही एरिया है आपके इस पूरे क्वाड्रेंट का। तो थीटा की जगह हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। अब रेडियस रह गया, तो रेडियस कैसे निकालोगे, ये सोचने वाली बात है इसमें कि रेडियस कैसे आएगा। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़े से मैथ्स के कॉन्सेप्ट आएंगे कि जस्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूलो। ये स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है, इन सबकी साइड ए है, ए स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है। तो स्क्वायर की जो डायगनल होती है ना, ये डायगनल है मान लो, इसकी जो लेंथ होती है ना वो होती है a√2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर सारी साइडें हैं उस साइड साइड का मल्टीप्लीकेशन √2 से करते हैं तो हम डायगनल की लेंथ निकालते हैं। तो a√2 होती है ये डायगनल की साइड, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है a√2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स का एक फॉर्मूला है ये स्क्वायर के से रिलेटेड। तो यहीं से हम क्या करेंगे, हमें साइड पता चल गई 20, तो यानी सारी साइड 20 होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो क्यों ना हम ये डायगनल कनेक्ट करके हम निकाल सकते हैं, डायगनल होगी 20√2। तो डायगनल होगी 20√2, a√2 होती है ना, a मतलब साइड, तो साइड है 20, 20√2। तो ये डायगनल ही तो रेडियस है, ये रेडियस ही तो है इस पूरे क्वाड्रेंट का। ये जो क्वाड्रेंट है ओ पी क्यू, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है इसका ये रेडियस ही तो है यार। ये ठीक से देखो ना, क्वाड्रेंट ऐसा ही तो होता है, ये ऐसा क्वाड्रेंट होता है तो उसका ये रेडियस ही तो होता है। ये ओ सेंटर है और ये यहाँ पर सर्कमफेरेंस से टच हो रहा है, तो हमें रेडियस मिल गया 20√2। तो हमें थीटा भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो यहाँ से हम ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, इस पूरे का। तो निकाल दो, थीटा हमारा 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90/360 कितना होता है, 1/4। पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 22/7, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखो ताकि कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए। तो मैं पाई की जगह 3.14 लिखूंगा, बस इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ इस पूरे सेक्टर का वैल्यू एरिया निकालने के लिए। तो थीटा में 360 किया तो 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 3.14। आर की वैल्यू अभी निकाली तो उसका स्क्वायर यानी कि 20/√2 का स्क्वायर। ये जब हम करेंगे तो ये पूरे सेक्टर का हमका एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए। तो हमें ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है इसमें से। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर जो कि साइड है 20, तो -400 कर दो। बस इतना काम कर आपको करना है, ये बॉक्स वाला आपका आंसर आ गया। इस पूरे ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, उसमें से हमने स्क्वायर हटा दिया, तो सॉल्व कर दो। अब तो आप ये सॉल्व कर दोगे ना, ये हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसको सॉल्व करो, माइनस कर दो फिर 400 में से, तो इसका आंसर निकाल दो आप जल्दी से। ये वाले कैलकुलेशन पार्ट में जान पूछ के आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि आप भी पेन चलाओ, वरना आप लेटे लेटे आराम से देखते रहोगे। तो इसका आंसर आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 628, इसमें से 400 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 228, और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है इसका आंसर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। एक बार मैं जल्दी से दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें कहा था ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हमने इसको पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से, उसके बाद फिर हमने उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया 400, और हमारा शेडेड रीजन हमें मिल गया 228। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।